यार केक खाना किसको पसंद नहीं होता। और अब तो मैंगो की सीजन भी आ चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप मैंगो केक घर पर बड़े ही आसानी से कैसे बना सकते हो। तो ये जो मैंगो केक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बाउल में लेना है 3/4 कप बटर, और यहाँ पर ये जो बटर है ना, ये सॉफ्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस बटर को फ्रिज में से निकालना भूल गया था, जिस वजह से ये जो बटर है ये काफी हार्ड था, और इसीलिए उसको बीट करने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था। अगर आपका ये जो बटर ये सॉफ्ट रहेगा ना, तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से बीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से आपको इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए बीट करना है, या आप इसको तब तक बीट करते रहिए जब तक ये जो बटर है ये फ्लफी और ऑफ वाइट कलर का नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने इस बटर को अच्छे से बीट कर लिया है, और अब इसका ये जो कलर है ना, ये भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है 1/2 कप दूध, और जो दूध है ना ये गर्म होना चाहिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कर्ड यानी कि दही, और जो दही है ना ये गाढ़ा होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अगर आपको मार्केट में मैंगो एसेंस मिलता है तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इसमें ऐड करना है 1.5 कप कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल चीनी होती है ना, उसको एक बार मिक्सर में अच्छे से पीस लीजिए, और फिर आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इन सारी चीजों को लगातार तब तक बीट करते जाना है जब तक ये अच्छे से एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाती। यहाँ पर जो बर्तन है उसके किनारों पर जो भी बैटर लगा हुआ है ना, उसको भी आप अच्छे से मिक्स करते जाइएगा। यहाँ पर मैंने इन सारी चीजों को अच्छे से बीट कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर एक ऐसी छन्नी रखेंगे। फिर हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है 2.5 कप ऑल पर्पज फ्लावर यानी कि मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से छान लेते हैं। अब हमें इस केक बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स करना है, तो आपको इसको ऐसे गोल गोल घुमा कर मिक्स नहीं करना है। आपको इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पर ऐसी कट एंड फोल्ड मेथड यूज करनी है। तो पहले आप इस बैटर को ऐसे बीच से कट कीजिए, और फिर आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इस मेथड को कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। तो अब हम यहाँ पर वापस 1/2 कप गरम दूध इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 1 कप गरम दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए यहाँ पर जो केक का बैटर है ये बन के रेडी हो चुका है। तब हम इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। तो आज मैं यहाँ पर ये मायर का बेक मास्टर केक टिन यूज कर रहा हूँ। तो ये जो केक टिन है इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ इसकी बेस्ट बात पता है क्या है, कि आपको इसमें तेल या बटर पेपर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी केक बिना तेल या बटर पेपर लगाए ही बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो अगर आपको ये मायर का बेक मास्टर केक टिन खरीदना है, तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और साथ ही साथ मैंने एक डिस्काउंट कोड भी दिया है। तो अगर आप वो डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो केक का बैटर है ना, उसको मैं इस केक टिन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब आपको इस केक टिन को ऐसे 2-3 बार अच्छे से टैप करना है, ताकि ये जो बैटर है ना ये लेवल हो जाए, और अगर अंदर कोई भी एयर बबल्स रह गए हो तो वो भी निकल जाए। अब हमें इस केक को बेक करना है, तो आप चाहो तो उसको ओवन में, माइक्रोवेव में या प्रेशर कुकर में बेक कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पर इसको ओवन में बेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और फिर हम इस केक को 180 डिग्री पर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अगर आपको ये देखना है कि आप इस केक को एक प्रेशर कुकर के अंदर कैसे बना सकते हो, तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर लगभग 25 मिनट हो चुकी है, तब हम इस केक को बाहर निकालेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो केक है ये अंदर से बेक हो चुके हैं या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको इसके अंदर एक टूथपिक या एक नाइफ इंसर्ट करना है, और अगर आपकी टूथपिक या नाइफ साफ निकलती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो केक है वो अंदर से भी अच्छे से बेक हो चुकी है। अगर आपकी टूथपिक के साथ साथ थोड़ा सा बैटर भी बाहर निकलता है, तो आपको यहाँ पर इस केक को थोड़ी देर और बेक करना होगा। हमारी यहाँ पर जो टूथपिक है ये साफ निकल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी केक अच्छे से बेक हो चुकी है। जब आपकी केक पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तभी आप इसको केक टिन में से बाहर निकालिए। तो इस केक को केक टिन में से बाहर निकालने के लिए आपको इसके किनारों पर ऐसे चाकू घुमाना है, ताकि जो केक है ये आसानी से निकल जाए। वैसे देखे तो इस केक टिन में आपको चाकू घुमाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो केक है ना, ये केक टिन से पहले से ही सेपरेट हो चुकी थी।
ये देखिए हमारी जो केक है ये कितनी आसानी से इसमें से बाहर निकल चुकी है, और अब ये देखिए हमारी जो केक है ये कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर इस केक को जो केक टिन का बेस है ना उससे निकाल रहा हूँ। हमने यहाँ पर इस केक टिन में थोड़ा सा भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये केक इससे से बहुत ही आसानी से बाहर निकल चुकी है, और ये जो केक है ये केक टिन के बेस के ऊपर जरा से भी नहीं चिपकी है। अब हमें यहाँ पर शुगर सिरप बनाना है, तो शुगर सिरप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस के थोड़े ड्रॉप्स। आप चाहो तो मैंगो एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो शुगर सिरप है ये बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इस केक को बीच में से कट करेंगे। यहाँ पर मैंने इस केक को कट कर लिया है, तो अब उसके जो तो ऊपर का लेयर है ना अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब जो शुगर सिरप हमने बनाया हुआ था उस शुगर सिरप को हम केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर केक के ऊपर शुगर सिरप लगाने से क्या होता है कि आपकी जो केक है वो स्वीट भी बनेगी और साथ ही साथ काफी मॉइस्ट भी रहेगी। यहाँ पर मैंने इस केक के ऊपर शुगर सिरप अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा मैंगो पल्प, और जो मैंगो पल्प है ना इसको मैंने 2 मैंगोज में से निकाला है। फिर हमें यहाँ पर चाहिए मैंगोज के ऐसे बड़े टुकड़े और थोड़े ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। अब मैं यहाँ पर एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी विप क्रीम फिल कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि विप क्रीम कैसे बनाई जाती है तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम इस पाइपिंग बैग को आगे से कट करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो केक है ना उसके किनारों पर हमें ये विप क्रीम लगानी है। अब हम इसके ऊपर वापस एक बार ऐसे बॉर्डर बनाएंगे। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हमें इस केक के बीच में फिल करना है थोड़ा सा मैंगो पल्प। तो ये जो विप क्रीम की हमने बॉर्डर बनाई हुई थी ना वो हमने इसलिए बनाई हुई थी ताकि ये जो मैंगो पल्प है ना ये बाहर ना चला जाए। अब यहाँ पर एक चम्मच की सहायता से मैं इस मैंगो पल्प को इस केक में इवनली स्प्रेड कर रहा हूँ। अब हम इसके बीच में मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर इसमें कितनी मैंगो इस्तेमाल करनी है ये आपके ऊपर है। अब हम इसको भी व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक पैलेट नाइफ की सहायता से हमें इस क्रीम को अच्छे से और इवनली स्प्रेड करना है। अब जो केक का दूसरा लेयर था उसको हम इसके ऊपर ऐसा उल्टा करके रखेंगे ताकि जो इसकी ऊपर की साइड है ना वो फ्लैट रहे। अब हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा शुगर सिरप लगाना है, और फिर हमें इस पूरी केक को व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर करना है। आप चाहो तो इस व्हिप क्रीम में थोड़ा सा कलर भी मिला सकते हो ताकि ये केक दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। अभी जो केक की साइड है ना उसके ऊपर भी हम क्रीम अच्छे से कवर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिलाया हुआ था, और इस व्हिप क्रीम को मैं इस केक के नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक स्क्रेपर की सहायता से यहाँ पर जो भी एक्सेस क्रीम है ना उसको हमें बाहर निकालना है। ये देखिए ऐसा करने से इस केक के ऊपर ऐसे दो दो कलर के लेयर्स फॉर्म हो चुके हैं। अभी जो केक बोर्ड के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है ना उसको हम एक चाकू की सहायता से बाहर निकालेंगे। अब इस केक को यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए मैं 1 mm स्टार टिप नोजल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो और कोई भी नोजल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस जहां पर आपको डिजाइन बनानी हो ना वहां पर ये नोजल रखिए और हल्के हाथों से प्रेशर दीजिए, और ये ऐसी डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ये डिजाइन बना ली है, आप चाहो तो इसके बदले और कोई भी डिजाइन बना सकते हो। अब हम इसके बीच में जो बड़े बड़े मैंगो के टुकड़े थे ना वो यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इस केक के ऊपर के लेयर को पूरा का पूरा मैंगो से फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस केक के नीचे की तरफ एक ऐसी बॉर्डर रेडी कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारी जो केक है ये डेकोरेट हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें और भी कई सारे डेकोरेशंस कर सकते हो।
तो यहाँ पर हमारी जो मैंगो केक है ये बनके रेडी हो चुकी है। आपको ये मैंगो केक कैसी लग रही है इसके बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। तो अब हम यहाँ पर इस केक को कट करेंगे। इस केक को बनाना बहुत ईजी था और एक बार आप जब ये केक बनाओगे ना तो आप इस केक को बार बार बनाकर खाओगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी मैंगो केक बनके रेडी हो चुकी है। आपको और कौन सी केक की रेसिपीज देखनी है इसके बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए।